Hi everyone, good evening. जल्दी से जुड़ जाइए प्लीज. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. अगर मैं क्लियरली ऑडिबल हूं और विजिबल हूं तो प्लीज एक मैसेज कर दीजिए, एक थम्स अप कर दीजिए ताकि मुझे पता लगे. चलिए मैं अपने इंट्रोडक्शन से शुरू करती हूँ. मेरा नाम है गायत्री रतन, मुंबई महाराष्ट्र से, और मैं मुंबई में बेकिंग और कुकिंग की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ. साथ ही में मेरा यूट्यूब चैनल है बाय द नेम ऑफ गायत्रीज कुकिंग क्लब, और जहाँ पे मैं बहुत सारी कुकिंग रेसिपीज शेयर करती हूँ, वीडियो शेयर करती हूँ, लाइव करती हूँ. उसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है बाय द नेम ऑफ गायत्रीज कुकिंग क्लब बेकिंग एंड कुकिंग. आप वहां पे भी बहुत सारे लाइव सेशंस और वीडियोस देख सकते हैं, और इंस्टा आईडीज हैं. सारी डिटेल्स मैंने कैप्शन में डाल दी हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन. मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अमूल के पेज पे, और साथ ही मैं थैंक यू अमूल फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि मैं फिर से एक बार आके अपनी रेसिपी शेयर कर सकूं आप सबके साथ. तो आशा करती हूँ कि मैं क्लियरली ऑडिबल और विजिबल हूँ, यानी कि आप क्लियरली मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं. तो आप प्लीज जरा एक थम्स अप या कोई मैसेज करके मुझे बता दीजिए कि सब कुछ क्लियर है. इट्स ओके लगा दो. तो आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूं वो है वेज पनीर तवा रोल. बेसिकली ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है. आप इसे एक अच्छा टिफिन ऑप्शन समझ सकते हैं, टिफिन में आप दे सकते हैं. पनीर से भरा हुआ है तो प्रोटीन पैक्ड है, पनीर और वेजीज हैं इसमें. और जो स्ट्रीट फूड पे बच्चे खाते हैं या जंक फूड के हिसाब से खाते हैं, जो रोल मैदे से बनता है और बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी डाली जाती हैं, जैसे ऑयल अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, पनीर अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, तो इसलिए बटर अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, तो इसलिए हम अमूल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज करके आज बनाएंगे वेज पनीर तवा रोल, जो कि बहुत ही बढ़िया बनता है, टेस्टी है, एक बहुत अच्छा इवनिंग स्नैक ऑप्शन है और साथ ही में एक बहुत ही अच्छा टिफिन ऑप्शन है. बट मुझे यहाँ किसी के भी कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, तो अगर आप लोग प्लीज एक थम्स अप भेज दें, एक हाय हेलो थम्स अप, या क्लियरली आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बता दें तो मैं रेसिपी की शुरुआत करूं. तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं. आप लोग को रेसिपी पसंद आ रही होगी तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, अमूल के पेज को फॉलो कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा. तो सबसे पहले मैं आपको मेरे जो वर्क स्टेशन है उस पर लेके चलती हूं. तो यहां पे सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारा मैरिनेशन प्रोसेस. तो फिर से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज एक बार बता दीजिए कि क्या सब कुछ क्लियरली ऑडिबल और विजिबल है, क्योंकि मुझे आप लोगों के बिल्कुल कोई मैसेजेस नहीं दिख रहे हैं. आर देयर एनी कमेंट्स? जस्ट चेक. तो यहां मैं ले रही हूं एक बाउल और उसमें हम शुरू करेंगे जो मैरिनेशन है उसका प्रोसेस.
हैं कमेंट्स कुछ? ओके ओके नाउ आई कैन सी सम कमेंट. शुभा जी थैंक यू सो मच. हाय बल्केश थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो कि सब कुछ क्लियर है. तो यहां मैंने ले लिया है एक बाउल. थोड़ा सा जूम इन कर देती हूं ताकि आप लोगों के लिए बहुत ही क्लियर हो जाए. ठीक है और मैरिनेशन प्रोसेस शुरू करेंगे. तो सबसे पहले इसमें मैं ऐड करूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट. तो करीब आधा टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है मैंने. से यहां पे कर देते हैं क्योंकि अभी हमें पनीर की जरूरत है. तो आधा टीस्पून यहां पे गया है हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट. इसमें जाएंगे कुछ ड्राई स्पाइसेस. उससे पहले डालेंगे दही. तो यहाँ अमूल का दही लिया है मैंने. इसे एक बाउल में निकाल के रखा है क्योंकि ओपन पैकेट फिर वो सारा गिर जाता है. तो दही डाल रही हूं मैं. तो ये करीब 4 चम्मच दही लिया है मैंने यानी कि 1/4 कप. और इसमें अब ऐड करूंगी कुछ ड्राई स्पाइसेस. तो यहाँ ड्राई स्पाइसेस में मैंने लिया है धनिया पाउडर जो कि है 1.5 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, यहाँ हमारे पास है जीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, हल्दी जो है 1/4 टीस्पून है और नमक जो है आपके टेस्ट के हिसाब से यहाँ मैंने 1 टीस्पून लिया हुआ है. तो ये सारे ड्राई स्पाइसेस जो है अब मैं इस मैरिनेशन में ऐड करूंगी. और विस्क से अब हम इसे मिक्स कर लेंगे. तो देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है. आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, कुछ लाइक्स भेज दीजिए क्योंकि मुझे दोबारा यहां पे आपके कोई भी कमेंट या लाइक्स या हार्ट्स नहीं दिख रहे हैं. तो ये हमारा मैरिनेशन है. ठीक है इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल. तो यहां मैं 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर रही हूं. आप चाहे तो यहां पे मेल्टेड बटर भी ऐड कर सकते हैं. थोड़ा सा इसमें जाएगा नींबू का रस, करीब 1 टीस्पून. 1 टीस्पून नींबू का रस डाल रही हूं. छोटा सा नींबू जो है वो आधा लिया है मैंने. दही जो ये 1 चम्मच है ये और डाल देती हूं क्योंकि हमें पनीर के साथ वेजीज को भी मैरिनेट करना है. तो मैं इसमें कोई लिक्विड ऐड नहीं करना चाहती. मैं दही का प्रपोर्शन थोड़ा सा बढ़ा देती हूं ताकि हमारा जो मैरिनेशन है वो थोड़ा सा बढ़ जाए और सब्जियों पे और पनीर पे अच्छी तरह से कोट हो जाए. हेलो हेलो एवरीवन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. तो इस मैरिनेशन को मैं रख रही हूं थोड़ा साइड में.
और अभी हम लेंगे हमारे पनीर के पीसेस। तो पनीर को पहले हम चॉप कर लेंगे। तो यहाँ मैंने अमूल का जो फ्रेश मलाई पनीर है 200 ग्राम्स का वो लिया है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहूंगी कि कभी भी अगर आप पनीर यूज करें ऐसी रेसिपीज में जिसमें आपको क्यूब्स करने हैं या मैरिनेशन करना है, तो तुरंत फ्रेश पनीर बना के या खरीद के यूज ना करें, उसे थोड़ी देर फ्रिज में रहने दें, क्योंकि इसका जो पीसेस है वो थोड़े से स्टेबल होना जरूरी है। अगर बहुत सॉफ्ट होगा तो वो मैरिनेशन में पनीर टूट के घुल जाएगा। तो मैं इस तरह से क्यूब्स कर रही हूं पनीर के, बहुत ज्यादा पतले भी नहीं और बहुत ज्यादा मोटे भी नहीं। ये देखिए इस तरह से मैंने क्यूब्स कर लिए हैं पनीर के। तो इन्हें डाल देंगे हम मैरिनेशन में। और साथ ही में इसमें मैं डालूंगी वेजीज। तो यहां मेरे पास है कैप्सिकम, टमेटोज जिसका मैंने अंदर से बीज निकाल दिया है, और अनियन। तो ये आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते हैं। और इसे मिक्स कर लेंगे, बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करना है। और सब कुछ मैंने, अगर आपने ध्यान दिया हो तो सबके मैंने जूलियंस किए हैं, इसीलिए पनीर के पीसेस भी लंबे रखे हैं मैंने। अगर आप छोटे पीसेस करते हो तो पनीर के भी आप क्यूब्स कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो ये देखिए ये मैरिनेट हो गया है। अब जब आप घर पे करें तो आपको इसे कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा मैरिनेट करके रखना है। बट क्योंकि अब हम लाइव सेशन में हैं तो मैं इतना टाइम आपका वेस्ट नहीं कर सकती, तो मैं इसे तुरंत ही कुक करूंगी। तो इसे साइड में रखेंगे और चलेंगे अगले कुकिंग प्रोसेस पे। तो यहाँ पे कुकिंग प्रोसेस शुरू करते हैं, क्योंकि आपको इसे, वैसे अगर आप घर पे बनाएं तो आप ध्यान रखें कि इसको मैरिनेट करके कम से कम आधा घंटा फ्रिज में रख दें। तो आई होप यहां तक सब क्लियर है। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो प्लीज आप पूछ लीजिए। यहां तक आई होप आप लोगों को रेसिपी क्लियर है गाइस, प्लीज बता दीजिए। और अगर वर्क स्टेशन भी क्लियर है तो भी बता दीजिए, क्योंकि मुझे किसी के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका कुकिंग प्रोसेस हम शुरू करेंगे अभी। आप
आप लोग जब इसे करें तो प्लीज इसे मैरिनेट करके कम से कम आधा घंटा फ्रिज में रख दें, उसके बाद ये प्रोसेस करें। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूं अमूल का बटर थोड़ा सा और थोड़ा सा ऑयल, दोनों चीजें हम साथ में मिक्स करके यूज करेंगे। तो ये देखिए, ये करीब फिलहाल मैंने एक चम्मच बटर डाला है। और थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूं, वो भी करीब एक चम्मच ही डाला है मैंने। फ्लेम जो है लो टू मीडियम रहेगा। और अगर आप जब ये प्रोसेस करते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप नॉन स्टिक पैन या कढ़ाई यूज करें, जिससे आपका पनीर जो है वो जलेगा नहीं बेस पे जाके। तो ये गर्म हो गया है बटर हमारा, तो अब ये जो मैरिनेशन किया हुआ जो सब्जी और पनीर है ये सारा हम इसमें डाल देंगे और इसे थोड़ा सा कुक करेंगे स्लाइटली। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए, जिसका नाम है गायत्रीज कुकिंग क्लब। और वहां पे भी मैंने लाइव सेशंस शुरू किए हैं, हमारी पिज्जा की सीरीज चल रही है मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे, जो कि फ्री लाइव है। पिज्जा फ्रॉम स्क्रैच कैसे बनाते हैं, पिज्जा बेस कैसे बनाते हैं, स्टोर कैसे करते हैं, पिज्जा सॉस कैसे बनाते हैं, और पिज्जाज अभी हमने शुरू कर दिए हैं। तो आप वो सीरीज अगर पसंद कर देखना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज और मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं, लिंक सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो आप विजिट कीजिए और YouTube को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत जल्द 1,00,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। इसे थोड़ा सा कुक करेंगे हम मीडियम फ्लेम पे, बहुत ज्यादा भी नहीं चलाना है इसे, खाली ये जो इसका मॉइस्चर है वो हल्का सा सूख जाए। ये देखिए, जो मॉइस्चर रिलीज हुआ है उसे हमें हल्का सा ड्राई करना है और ये सब्जियां हल्की सी साथ में सॉफ्ट हो जाएंगी। और इसे कवर करके नहीं पकाना है, इसे इस तरह से ओपन ही पकाना है। देखिए कितना बढ़िया कलरफुल लग रहा है ये, और साथ ही में जो वेजीज है वो भी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इसे पकने में करीब 5 से 6 मिनट लगेंगे, जब तक इसका जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाएगा।
एक होता है नॉर्मल रैप, एक होता है रोल और एक होता है काठी रोल। तो आप में से कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि इन तीनों में क्या फर्क है? काठी रोल, नॉर्मल रोल और रैप, इसमें क्या फर्क है? और साथ ही में ये भी बता दीजिए कि आप लोग मुझे कहां कहां से आप लोगों ने ज्वाइन किया है, आप लोग कहां कहां से हमारा लाइव ये देख रहे हैं। देखिए इसका मॉइस्चर जो है हल्का हल्का सूखने लगा है और सब्जियां भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। और इसे ज्यादा छेड़ना नहीं है, नहीं तो पनीर जो है वो टूट जाएगा। वैसे हल्का सा अगर आपसे टूट भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो रैप में ही जाने वाला है। ओके थैंक यू विपिन जी। विपिन जी इज ज्वाइन फ्रॉम मुंबई। मुझे सिर्फ एक ही मैसेज आया है विपिन जी का कि वो मुंबई से देख रहे हैं। गुंजन जी देख रहे हैं दिल्ली से। ओके रिंकू जी देख रहे हैं वेस्ट बंगाल से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं भी हूं मुंबई से। आप देख सकते हैं ये जो है इसका जो बटर है और दही का जो फैट है वो रिलीज होने लगा है और ये ड्राई होने लगा है। बस इतना ड्राई हमें इसे करना है। बहुत देखिए मैंने इसलिए आपसे कहा था कि नॉनस्टिक यूज कीजिएगा, नहीं तो ये नीचे लग सकता है। अब हमें इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हम नहीं चाहते कि सब्जियां बिल्कुल जो है वो पक जाए। थोड़ा सा क्रंच सब्जियों में होना चाहिए और जो फिलिंग है ये भी थोड़ी सी जूसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी कुकिंग मैं बंद कर रही हूँ। ये पक चुका है, जब तक ये ठंडा होगा थोड़ा सा हम जो हमारा रोल है वो बनाएंगे तो ये अपने आप लटपटा बन जाएगा और सब्जियों का क्रंच भी रहेगा। डिफरेंस बिटवीन रोल एंड रोल। ओके गुंजन जी, रैप इज बेसिकली जब हम उसे ट्राइंगल शेप में फोल्ड करते हैं दो तीन चीजें डाल के, उसे बोलते हैं रैप, जिसमें एक दो चीजें और डाली जा सकती है लेयर्स में। जो रोल होता है वो आज हम बना रहे हैं नॉर्मल लच्छा पराठा यू बना के या पराठे जैसा, उसे कहते हैं रोल। और जो काठी रोल होता है दैट इज मेड विथ रुमाली रोटी, बहुत ही पतली रुमाली रोटी होती है उसके साथ काठी रोल बनाया जाता है, मतलब पतली सी रोटी और वो एक रोल लंबा होता है स्प्रिंग रोल की तरह बनाया जाता है, इसीलिए उसे काठी रोल कहते हैं। ठीक है तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे जिसमें हम हमारा पराठा बनाएंगे। आई होप आप लोग ये सेशन एंजॉय कर रहे हैं। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। सूखा हटा दे दो बेटा, चॉपिंग बोर्ड और एक प्लेट दे देना मुझे ना ये पराठा रखने के लिए। प्लीज कमेंट करके बताइए कि आप लोग ये सेशन पसंद कर रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको। अब यहां देखिए मैंने एक यहां पे वैसे मैदे के आटे का आटा गूंदा जाता है और उसका रोल भी बनता है, बट ये मेरा गेहूं का आटा है और मैंने सॉफ्ट आटा लगाया है देखिए। और जब भी आप इस तरह का रोल बनाए तो तुरंत आटा लगा के रोल मत बनाइए, आटे को गूंद के एक अच्छा खासा रेस्ट दीजिए। और जब आटा गूंदे आप तब आपको पानी सॉरी नमक के साथ तेल भी इसमें डालना है, आटे में तेल डालना है और फिर आटा गूंदना है
और अच्छा खासा रेस्ट आटे को देना है सो दैट आटा जो है सेट हो जाए और एकदम सॉफ्ट आटा बने। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए एकदम सॉफ्ट आटा है ना। तो ऐसा आटा आपने गूंदना है। राउंड वाली प्लेट देखो ना। तो पहले हमने इसको इतना बेल लिया है। हम बना रहे हैं आज वेज पनीर रोल। अभी यहां पे मैं क्या करूंगी, इसको ब्रश करूंगी ऑयल से। आप ऑयल यूज कर लें, आप चाहे तो घी यूज कर लें, बट मैं आज ऑयल यूज कर रही हूं। अच्छी तरह से ब्रश कर लूंगी, छिड़कूंगी थोड़ा सूखा आटा। और अब हम इसे इस तरह से, जैसे फैन बनता है उस तरह से हम इसे रोल करेंगे। और अब इसे लंबा करना है ऐसे, ठीक है। जो फैन की परतें आई हैं ऊपर आई हैं, इसे इस तरह से रोल करेंगे हम और नीचे टक इन करेंगे और इस पे थोड़ा सा आटा छिड़क देंगे। और इसका अब हम पराठा बना के, मनीषा जी एटलीस्ट हाफ एन आवर, एटलीस्ट हाफ एन आवर आटे को रेस्ट दीजिए। और बहुत ज्यादा प्रेशर देके नहीं बेलना है पराठे को। और ये जो पराठा है रैप का, ये थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में कंपेयर टू दूसरे पराठे। आप चाहे तो फ्रोजन पर टैग नहीं, इट्स ओके, आप चाहे तो फ्रोजन पराठा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे मैं रख रही हूं यहां पे और इसके ऊपर डाल दूंगी थोड़ा सा सूखा आटा ताकि जो दूसरा पराठा हम बना रहे हैं वो चिपके ना। मैं आपको दो रोल्स बता दूंगी। ये बहुत ही अच्छा टिफिन ऑप्शन है। ये जो ऑयल है ये अच्छी तरह से लगाइएगा, तभी आपके जो लेयर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से खुलेंगे। यस, दिस इज लच्छा पराठा। यू कैन मेक अ नॉर्मल पराठा, बट लच्छा पराठा बनाने से क्या होता है ना, उसमें एक अलग सा क्रंच और क्रिस्पीनेस आता है जो कि रोल टेस्टी लगता है, यू नो। ये देखिए इस तरह से, अगर आप मेरी रेसिपी पसंद कर रहे हैं तो प्लीज गाइस लाइक कर दीजिए। आपके दिल, आपके लाइक्स, आपके थम्स अप, हार्ट्स कुछ भी नहीं दिख रहे हैं, कमेंट्स भी बहुत कम है, इतनी कंजूसी। और यूट्यूब चैनल को जरूर, यूट्यूब चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सारे कैप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो दो पराठे बना दिए हमने, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तब तक देखिए हमारी जो फिलिंग है वो भी बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो गई है, सेट हो गई है।
चलेंगे नेक्स्ट स्टेप जिसपे हमें असेंबल करना है तवे पे सेक के। मीनू जी, माय चैनल नेम इज गायत्रीज कुकिंग क्लब। आप जब ये लाइव सेशन का कैप्शन पढ़ेंगे ना ऊपर, उसमें सारे लिंक्स दिए हुए हैं, नहीं तो आप सर्च कर दीजिए गायत्रीज कुकिंग क्लब। ये हटा दो, ये भी हटा, तवा हल्का सा गर्म होने देते हैं। थैंक यू मनीषा। तब तक मैं आपको, जब तक तवा गर्म हो रहा है, इस चटनी की रेसिपी दे देती हूँ। ये कबाब की चटनी है, इसमें मैंने डाला है धनिया करीब आधा कप, और 1/4 कप इसमें मैंने डाला है पुदीना, एक छोटा अदरक का टुकड़ा, 3 हरी मिर्च है, और साथ में मैंने इसमें डाला है साबित जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला, और इसे मैंने पीस लिया है। तो पीसते वक्त मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा दही डाला था। तो ये कबाब्स के लिए जो चटनी होती है वो इस तरह से बनती है। और अब इसे थोड़ा सा दही के साथ, अब कभी भी आप, आपको कबाब्स के साथ या रैप्स के साथ या रोल्स के साथ चटनी बनानी हो, तो पहले आप इस तरह से नॉर्मली चटनी बना के रखें और सर्व करने से पहले उसे थोड़ा सा दही में मिक्स कर लें। अगर आप पहले से बहुत ज्यादा दही डाल के रखते हो और बाद में बाय चांस अगर आपको वो चटनी स्टोर करनी पड़ती है फ्रिज में, तो वो खट्टी हो जाती है। तो जितनी आपको यूज करनी हो उतनी ही चटनी लेके उसमें आप दही ऐड कीजिए। तो इसे सेक लेते हैं। मीनू जी, इसका पीडीएफ मैं नहीं दे पाऊंगी, ये लाइव अमूल के पेज पे है। जो मेरे पेज पे लाइव सेशंस होते हैं उसके पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देती हूँ। तो यहाँ पे भी आप चाहें तो घी या बटर लगा सकते हैं, बट मैं ऑयल यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि रैप जो हो वो ज्यादा हैवी हो जाए। With lots of butter and all, I'm trying to keep it very simple. नहीं तो बहुत लोग घी लगा देते हैं, बटर लगा देते हैं, मेयोनीज लगा देते हैं, इतना सब लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, हल्का हल्का इससे मैं सेकूंगी चारों तरफ से। और आप देख सकते हैं ये लेयर्स इसकी आपको दिखाई दे रही होंगी क्लियरली, जैसे जैसे ये सिकेगा। इसीलिए ऑयल भी मैं थोड़ा थोड़ा ब्रश कर रही हूं थोड़ी थोड़ी देर में। तो उससे क्या होगा, इस पराठे को क्रिस्पीनेस भी मिलेगा
और आपकी लेयर्स भी अच्छी खुलेंगी। एक ही बार बहुत ज्यादा घी तेल बटर डाल के पराठे को नहीं पकाना है। गाइस प्लीज कमेंट करके बताइए आपको रेसिपी कैसी लग रही है। ये देखिए ये हमारा लच्छा पराठा कितनी अच्छी तरह से इसकी लेयर्स खुल रही है। देखिए ये देखिए ये देखिए इसकी लेयर्स कितनी अच्छी तरह से खुल रही है। इसे निकाल लेंगे प्लेट में और दूसरे को सेक लेंगे। चाहे तो इस तरह से हाफ डन पराठा करके भी रख सकते हैं, फिर जब आपको सर्व करना हो तब आप फिलिंग बनाइए, पराठे को क्रिस्प कीजिए और रोल्स बना लीजिए। अगर आपके पास कोई गेस्ट आ रहे हैं या आपको टिफिन में देना है तो आप हाफ डन पराठा करके स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए लेयर्स देखिए कितनी अच्छी लेयर्स खुल रही हैं इसके। अभी देखिए क्योंकि हमें इसका रैप मुझे इसका रोल बनाना है इसलिए मैं आपको ये देखिए, अगर आप इसको नैपकिन में लेके इस तरह से करेंगे तो आपकी सारी परतें लच्छे जो है वो अलग हो जाएंगे पराठे के। देखिए ये देखिए देख रहे हैं आप कितनी परतें आई हैं। तो ये रेडी है, इसे भी निकाल लेते हैं और इसे हटा देते हैं। आराम से इसको हटा दो और मुझे फिलिंग दे देना। आराम से बी केयरफुल। तो अभी चलते हैं असेंबलिंग की तरफ, यानी कि हमारा जो रैप है उसे असेंबल कर लेते हैं। रोल है, सॉरी रैप बोल लीजिए, रोल बोल लीजिए। तो यहां मैं ले रही हूं एक पराठा, ठीक है। अब आप चाहें तो इसमें मेयोनीज लगा सकते हैं बट मैं नहीं लगा रही हूं। पर्सनली मुझे मेयोनीज नहीं अच्छा लगता है, बिकॉज क्या होता है ना मेयोनीज से जो एक्चुअल टेस्ट होता है ना फिलिंग का, कहीं ना कहीं वो मार खा जाता है। और मैं क्रंचीनेस के लिए सैलेड के लिए यहाँ यूज कर रही हूँ आइसबर्ग लेटिस। आप सिर्फ प्याज और कैबेज यूज कर सकते हैं। तो यहां सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इस पे अप्लाई करूंगी थोड़ी सी चटनी। ये देखिए ये जो हमारी चटनी है
जो मैंने दही डाल के बनाई है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड कर सकते हैं चटनी में, अगर आपको एक क्रीमी टेक्सचर चाहिए तो। मैं एक चम्मच क्रीम ऐड कर रही हूं, अमूल की फ्रेश क्रीम। एक चम्मच मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम इसमें ऐड की है, तो ये आपको और क्रीमी टेक्सचर देगा। देखिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा दही डालेंगे तो दही, आप दही के वजह से खट्टा हो जाएगा। मुझे चाहिए यहाँ, ठीक है। तो यहां मैं चटनी लगा रही हूं थोड़ी सी बेस पे। अब जाएगी मेरी फिलिंग। इसलिए मैंने पनीर के पीसेस लंबे किए थे ताकि दो पीसेस आ जाए और थोड़ी सी वेजीज आ जाए, तो ये जो रोल है वो कवर हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। मीनू जी नहीं होता इतना सौगी क्योंकि हमने फिलिंग को ड्राई कर लिया है ना। अब इस पे मैं डाल रही हूं लच्छा प्याज, थोड़ा सा कटा हुआ। इसे हटा देते हैं फिलिंग को। थोड़ा सा लच्छा प्याज डाल रही हूं, देखिए इस तरह से लंबा लंबा कटा हुआ। आप अगर टिफिन में दे रहे हैं तो आप प्लीज प्याज मत डालिएगा, नहीं तो कभी कभी प्याज की वजह से स्मेल आ जाती है अगर गर्मियां हैं अभी, ठीक है। अब प्याज डाला है तो उसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूं मैं। इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा लेटिस, तो लेटिस को मैं हाथों से तोड़ के डालूंगी फॉर द क्रंच। आप चाहें तो कैबेज डाल सकते हैं, बट आई फील लेटिस इज अ ग्रेट ऑप्शन। ठीक है, अब इसके ऊपर जाएगा थोड़ी सी चटनी। और थोड़ा सा जाएगा केचप। अब ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो सिर्फ चटनी भी डाल सकते हैं, बट ये केचप जो है इसको थोड़ा सा टैंगीनेस और स्वीट देगा। आप चाहे तो चिली जो आता है ना, चिली सॉस, वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको रैप को रेडी करेंगे, इसे रैप करेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए ऐसे करके ऐसे इसे रैप करना है, बहुत ही अच्छी तरह से टाइट रैप करना है। और अब हमें क्या करना है, यहां पे मेरे पास है एक बटर पेपर, एक सेकेंड मैं इसे टर्न करके रखूंगी। अब आपके पास अगर रैप बना, जो रोटी रैप करने के लिए पेपर होता है वो हो तो भी चलेगा, है ना। अब मैं इसे इस तरह से इस बटर पेपर में शिफ्ट कर रही हूं, देखिए अच्छे से रैप करके। इस बटर पेपर में मैं शिफ्ट कर रही हूं कुछ इस तरह से, और नीचे से मैं इसे टक इन कर दूं। तो ये आपका जो रैप है, पनीर रैप, वो रेडी है। एक और बना लेते हैं हम, इसे रख देंगे प्लेट पे, और एक और इसी तरह से हम रेडी करेंगे। अब यहां पे आप चाहें तो मेयो लगा सकते हैं अगर बच्चों को पसंद है तो। साथ ही में डाल देंगे थोड़ी सी फिलिंग। इसी तरह से आप नॉनवेज का भी रैप बना सकते हैं,
अगर वो आप देखना चाहते हैं तो वो आपको मैं अपने पेज पे लाइव दिखा दूंगी या यूट्यूब चैनल पे लाइव दिखा दूंगी। अब इस पे जाएगा लच्छा प्याज, थोड़ा सा साथ ही में जाएगा चाट मसाला, थोड़ा प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर द आसपास की साउंड्स गाइस। आजकल बच्चों के वैकेशन चल रहे हैं तो नेबर्स के घर बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं और आपको पता है बच्चे किसी का कहना नहीं मानते। बहुत बार मैंने उनसे कहा कि बेटा शोर मत करना, बट दैट इज हाउ किड्स आर सपोज टू बी एंड दैट इज हाउ किड्स आर एक्चुअली। तो ये मैंने डाल दिया लेटस, फिर से डाल दूंगी थोड़ी सी चटनी, केचप, और इसे भी रैप कर लेंगे। बहुत ही आराम से रैप करना है लेकिन टाइट रोल बनाना है, ठीक है? टाइट रोल बना के इसे साइड में करते हैं और हमारा रैपिंग पेपर ले लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा रैपिंग पेपर ले लेंगे थोड़ा सा, ये लगा देंगे और इसे भी टाइट रैप कीजिएगा, ठीक है? और यहां से नीचे से टक इन कर देंगे। तो ये हमारा वेज पनीर रोल जो है बनके रेडी है। इसे प्लेट कर लेते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड प्लीज। तो ये देखिए ये हमारा एक रोल बन चुका है। इसे थोड़ा टाइट कर देंगे और इसी तरह से आप इसे पूरी तरह से रैप करके टिफिन में भी दे सकते हैं और केचप और ये आप चाहे तो एक्स्ट्रा दे सकते हैं। चटनी जो हम टॉपिंग में डाल रहे हैं वो आप एक्स्ट्रा दे दीजिए ताकि वो उसको डिप करके खा सके। तो ये हमारा रैप जो है रेडी है। साथ में रख देते हैं थोड़े से, अगर आप सैलेड सर्व करना चाहे तो इस तरह से ये टमाटो के वेजीज हैं और थोड़ा सा प्याज है और थोड़ा सा लेटस है, उसे रख देंगे। और इस पे आप थोड़ा सा सॉल्ट और चाट मसाला जो है स्प्रिंकल कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से, और चटनी थोड़ी सी हम साथ में सर्व कर लेंगे। एक्स्ट्रा चटनी अगर किसी को चाहिए तो आप केचप और चटनी एक्स्ट्रा। साथ में सर्व कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा इवनिंग स्नैक ऑप्शन भी है। अगर आपके पास कोई गेट टुगेदर है तो आप तो भी इसे बना सकते हैं। तो ये रेडी है आपका पनीर, वेज पनीर रोल। तो आई होप आपने एंजॉय की है ये रेसिपी। इसे मैं थोड़ा सा बाद में टाइट कर दूंगी, रोल थोड़ा सा ये लूज रह गया है पेपर।
तो आई होप आपने ये रेसिपी एंजॉय की है, आपको ये रेसिपी पसंद आई है। तो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे शेयर कर दीजिए गाइस, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मदर्स के लिए एक अच्छा टिफिन ऑप्शन हो, है ना। आप इस तरह से फिलिंग बना के रख सकते हो, आप इस तरह से हाफ डन पराठा रख सकते हो और फिर आप उसे रैप करके बच्चों को दे सकते हो इवनिंग स्नैक में या टिफिन में या बड़ों को दे सकते हो। और ये बहुत फिलिंग होता है, अगर आपका कभी डिनर खाने का मन ना करे तो सिर्फ इस तरह के आप रैप्स बना लीजिए, बहुत फिलिंग होते हैं, बहुत ही अच्छा डिनर ऑप्शन है। और इसमें वेजीज है, पनीर है, तो इट्स अ गुड प्रोटीन सोर्स। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, थैंक यू अमूल फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म एंड गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं फिर से आके आप सबके साथ ये रेसिपी शेयर कर पाई अपनी। ये देखिए, तो फिर से मिलूंगी आपके साथ नए रेसिपी लाइव में, अमूल पे मिलूंगी या अपने पेज पे मिलूंगी या यूट्यूब चैनल पे मिलूंगी, कहीं तो मिलूंगी। तो उसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फेसबुक पेजेस को फॉलो एंड लाइक करना पड़ेगा, इंस्टा आईडीज को फॉलो एंड लाइक करना पड़ेगा। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो फिर मिलेंगे नए लाइव सेशन में अमूल के साथ या अपने पेज पे या यूट्यूब पे। टिल देन थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो ये लाइव अब हम यहीं एंड करते हैं।